सिक्किमे अरे मैं चिंता क्यों हूँ, सिक्किम से हूँ। पीछे देखो तो बोट क्या लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय संजय ब्लॉग्स। सो देख सकते हैं यहाँ का नजारा, यहाँ पे रुका था गाँव का, यहाँ तर है। सो अब यहाँ से निकल, ओहो देखो ना गाइस, इंडिया भी पाकिस्तान जैसा लग रहा है मेरे को तो। देखो ना व्यू, अरे ये ना जरा देखने के लिए घर से निकलना पड़ता है। देखो ना बॉस, इतना तेजी से चलता है ना यहाँ पे तो। अरे देखो ना हरियाली हरियाली, पहाड़ तो कहीं पे नहीं देखता है ना। सिक्किम का याद कर रहा हूँ मैं, सिक्किम पहाड़ से उन्होंने आगे का नजारा गाइस, इतना अच्छा नजारा देखो ना गाइस। यहाँ राइड करने का मजा ही अलग है देखो ना। अरे ओहो, इतना बड़ा बड़ा ट्रक आता है, ओवरटेक करता है ना। चलो चलो, रुकना नहीं है, चलते रहना चलते रहना, रुकना नहीं है। सकते हैं यहाँ का ओके भैया लोग बोल दे हेलो हेलो, मेरा भी भैया है ये ना। अरे सब मेरा भैया है, इतना अगला बार बुधा चौक पे आता दारू का लेके आना, दारू पी के जाना है ना, लेके आना है स्टॉक के लिए। अरे सिक्किम में बहुत सस्ता मिलता है इसलिए सिक्किम से लेना पड़ता है। सिक्किम में तो है ना, बिहार में बंद है ना, बंद है सिक्किम में। वहाँ पे आप लोग पीते हो 300 में, यहाँ हम लोग पीते 3000 में। अरे इतना ब्रांडेड है यहाँ सिक्किम का अल्कोहल है ना, यहाँ पे इतना ब्रांडेड है गाइस। ठाकुरगंज है ना, ठाकुरगंज आशीष सर है एक, ठाकुरगंज है ठीक है। आशीष सर और गौरी मैम, आशीष सर और गौरी महेश्वरी सब मैनेज करते रहे, होटल है ना सब इतना मदद कर रहा है ना। ठाकुरगंज को तो मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ। आज 7 दिन हो गया, 7 दिन आज ठीक है भाई निकलता हूँ। ओहो दरभंगा से 10-10-5 हो गया, 80 किलोमीटर तो आज कवर करना है, नहीं तो नहीं मिलेगा रास्ते पे बैठने के लिए। आशीष सर और गौरी महेश्वरी मैम ना, बिहार का ठाकुरगंज से इतना अच्छा आदमी मिला हमको है ना, सच में दिल से शुक्रिया आपको है ना। 80 किलोमीटर राइड करके ना होटल मैनेजमेंट कर दिया सर ने है ना, इतना जल्दी मैनेज कर दिया, 10 बजे मैनेज कर दिया, वहाँ तक पहुँचना है, एफर्ट लगाना पड़ता है वहाँ तक। तो फाइनली गाइस, दूध भी तो खाना पड़ता है ना, साइकिल चला रहा हूँ, हेल्थ को भी मेंटेन करना पड़ता है गाइस। देखो आगे का व्यू, ये बाजार है। अरे हो चाचा, इसको समझ में ना आ रहा, ना आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस देखो साइकिल और नेशनल फ्लैग, विलेज यहाँ का। जल्दी जाना है गाइस, आज तो 7 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। आप लोग चीन के हैं ना? चीन का? हाँ सिक्किम से, अरे मैं चीन का क्यों हूँ, सिक्किम से हूँ। पीछे देखो तो बोट क्या लग रहा है, जल्दी पहुँचूंगा जल्दी पहुँचूंगा। हाँ पीछे का है ना ये, ठीक है डाल रहा हूँ, ठीक है चलता हूँ मैं अभी। इतना बच्चा लोग है ना रास्ते पे मिलता है, उसको मिल गए ना इतना खुश होता हूँ। आपने इसको कर दिया ना, सब्सक्राइब कर दिया ना, कर दिया मेरा भी, कर दोनों आदमी का। हाँ ठीक है, मीटिंग सर आपको मिल के इतना खुश हो रहा है, इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है रास्ते पे ना। नहीं नहीं, आप वो महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो कि आपको ये मौका मिला और आपके अंदर इंस्पिरेशन आई, इसलिए मुझे अच्छा लगा।
फिर मेरे बच्चे लोग का है ना मोबाइल, मैं उसमें भी आपको सब्सक्राइब करूंगा। अच्छा लगा, ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर द बिग सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू। देखो जल्दी वहां से हटो, गाइस देख सकते हैं बहुत बोरिंग वाला प्लेस। चार पांच घंटा साइकिल चला रहा हूँ। कहाँ जा रहा भाई? हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। पाया लोग मिला, पाया लोग मिल गए, पाया लोग देख सकते हैं। अरे हेलो आदमी, कैसे बैठते हो यहाँ पे? सरकार लोग कुछ नहीं कहता है बिंदास। हाँ घूमने के लिए आ गया था। अरे आपको देखे तो थोड़ा बिंदास बिंदास चल रहा है ना आप लोगों। एक घंटे है ना साइकिल चलाता रहता हूँ ना, रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिज पे राइड कर रहा हूँ गाइस। हो देखो निंजा के साथ आ रहा हूँ। मेरा निंजा दो पे सीखी लौटूंगा ना, बिहारी देखेगा मेरे को। सकते मेरा जैसा दोस्त भी मिल गया मेरा एज का। हेलो गाइस बोलो। हेलो मेरा जैसा दोस्त मिल गया ना। हाँ मिल के आपको मिल के है ना। हम लोग आ रहा है साइकिल यात्रा करके आपका चरण पे दर्शन करने के लिए। महादेव हम लोग आ रहा है। ओहो चलो चलो चलो, सकते हम लोग यहाँ पे रुका था है ना, तो यहाँ पे भैया रुके है ना, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे रहा है, तो थैंक यू सो मच भैया इतना सपोर्ट। बिल्कुल आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं चाहे वो सिक्किम के हो या नॉर्थ ईस्ट के या पूरे ऑल ओवर इंडिया में या विदेश में भी कहीं देख रहे हो, इन जैसे यूथ को और युवाओं को जो बहुत सारे मतलब साइकिल से जर्नी कर रहे हैं सिक्किम से केदारनाथ, लोगों को सोचना पड़ता है मतलब इतनी लंबी जर्नी के लिए। लोग बाइक से भी करते हैं, ट्रेन से भी करते हैं, लेकिन ये लोग साइकिल से कर रहे हैं और सेफ फॉर एनवायरनमेंट मतलब नेचर को भी प्रमोट कर रहे हैं साइकिल से यात्रा करके, और जो है पॉल्यूशन से हटके। तो इन्होंने साइकिल से यात्रा करना चुना और बाबा की कृपा रही, भोले शंकर की कृपा रही, तो ये जर्नी ऐसी जारी रही। बाकी आप जितने भी युवा देख रहे हैं इनके चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इनका आगे का भी इसी तरह से जर्नी जारी रहे और इनका हौसला अफजाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो हमारा साइकिल देख सकते हैं आगे। सो गाइस देखो ना इतना बड़ा बड़ा ट्रक आता है, आज तो इतना थक गया गाइस। कॉल 57 पे है, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं इस युवा को, ये सिक्किम से चलकर केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं और हमारी मुलाकात हजरत पैठ घाट में हुई। सीधे जानते हैं इनसे कैसी इनकी यात्रा है, मेरा नाम है संजय राय है ना। आज हम दरभंगा को रुके गए है ना, आशीष सर ने सब मैनेज कर दिया है, होटल वगैरह है ना। हम लोग 42 किलोमीटर तो कवर करना पड़ेगा। तो ये इनकी इंस्टा आईडी है, जो मतलब ये युवा है, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप इनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पे भी हैं, ट्विटर पे नहीं कोई बात नहीं, फिलहाल आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल को हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल इनका संजय ब्लॉग 676 है और ये नए क्रिएटर हैं। इनका मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहिए और इनकी जो यात्रा सिक्किम से केदारनाथ की बहुत ही कठिनाइयों भरी है, लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन ये साइकिल से इस यात्रा को संभवत महादेव की कृपा से बनाने जा रहे हैं। और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और सबको को मैं ये कहना चाहता हूँ है ना, मैं एक युवा हूँ है ना सिक्किम से है ना, सिक्किम टू केदारनाथ यात्रा कर रहा हूँ। एक बार इतना हौसला से चल रहा हूँ ना, रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना, आज तक कोई दिक्कत नहीं, सब सपोर्ट करते रहे हम लोग भी एक हौसले से है ना केदारनाथ पहुँच ही जाएंगे ना, वे यही कहना चाहता हूँ। आप हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी। थोड़ा इंटरव्यू हो गया यहाँ पे,
बिहार का आदमी लोग है ना, इतना मजबूत है और इतना अच्छा है। फोटो खींचा है ना, केदारनाथ पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा है ना, पंडित देखते रहना पड़ता है। अरे भैया शुक्रिया भैया, ठीक है भाई जी। अरे चाय ट्रक वाले भैया ही लाए आपके लिए चाय। देखो ना ये ट्रक वाले भैया ने ना चाय पिला दिया है ना, भैया लोग ने इतना मदद कर रहे हैं रास्ते पे। चाय पी के जल्दी निकले, 20 किलोमीटर और कवर करना है। चलते चलते देखो ना कैसा व्यू है, देखो फाइनली गाइस है ना रास्ते पे भैया लोग मिला है ना। ऐसा भैया मिलते है ना इतना खुश होता है ना, हमारे जैसा दोस्त है तो आगे भी ऐसा सपोर्ट मिले। इतना महादेव का भक्त कौन कौन है सब लेके, 1 2 3 महादेव, बाय 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 बाय, ठीक है निकल रहा हूँ, बाय 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 बाय। सो गाइस रास्ते पे इतना सपोर्ट मिल रहा है रात के समय है ना, अरे हाईवे पे हूँ लेकिन क्या करें, कवर तो करना पड़ेगा, क्या कवर तो करना पड़ेगा। आज हमारा डेस्टिनेशन में पहुँच ही ना पाया, रास्ते पे इतना क्लोज कॉल हो रहा है ना, बस बड़ा बड़ा ट्रक से है ना। सो हम लोगों को बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं मेरा साइकिल सुरक्षित है यहाँ पे है ना। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ का रूम 150 किलोमीटर है ना दूर है ठाकुरगंज है ना, लेकिन वहाँ का ठाकुरगंज का एक आशीष सर और गौरी महेश्वरी मैम है ना इतना मदद कर रहा है ना, क्या बताऊँ आपको है ना। थैंक यू सो मच सर, इतना मदद कर रहा है ना, मैम को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, तो दिल से शुक्रिया, हर हर महादेव।